पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अम्बाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है, यही नहीं भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 से 13 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। 12 जनवरी को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित शिमला में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि 10 से 13 जनवरी तक पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के आसार हैं, वहीं मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश होगी। उन्होंने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला तथा कल्पा के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो जाएगा और उसके बाद मौसम साफ होने के आसार हैं। वहीं राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह से ही बादल छाए रहे। बादलों के छाने व मौसम के आए बदलाव के कारण दिन भर सर्द हवाएं चलती रहीं। हाँ, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि हिमाचल प्रदेश में आज से इफेक्ट कर सकती है। आज से लेकर 11, 12 और 13 तारीख तक मौसम खराब रह सकता है। आज हिमाचल प्रदेश के जो फ्यू प्लेसेस एरिया है वहाँ पे लाइट बारिश, जहाँ जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद कल से इसका इफेक्ट जो है थोड़ा बढ़ेगा। कल को मोस्ट प्लेसेस रेनफॉल और स्नोफॉल होने की उम्मीद है। ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल और जो निचले इलाके हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश, जहाँ जो आपने जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं उसमें स्नोफॉल भी हो सकती है। और जो 12 तारीख को जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, उसमें हैवी स्नोफॉल हो सकती है। जो ऊपर के इलाके हैं कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें जिसमें हैवी स्नोफॉल हो सकती है उसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति का एरिया, कुल्लू का एरिया और डिस्ट्रिक्ट शिमला के ऊपर के इलाके और कल्पा में जो हैवी स्नोफॉल होने की उम्मीद है। और जो निचले इलाके हैं यहाँ पे एक दो स्थानों पे जो आपने जो हैवी बारिश भी हो सकती है। और जो 13 तारीख को जो इसका इफेक्ट है वो कम रहेगा, कुछ एक जगह पे ही जो है वो बारिश होगी और उसके बाद मौसम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी जो टेम्परेचर हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से जो थोड़े से राइज किए हैं, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे अभी भी जो तापमान है वो 0 से कम चल रहे हैं। शिमला का जो आज तापमान 3.7 डिग्री रहा और कल्पा का -7 और जो किलोंग है लाहौल स्पीति में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत वधन की रिपोर्ट।